अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज आपके लिए बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लाए हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि हर कोई यही सोचता है कि मैं बिजनेस को किस तरीके से ग्रो करूं। तो इस वीडियो में इसी पर मैं पूरी गुफ्तगू करूंगा। इतना है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैं बिजनेस ग्रो करने से पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, आप गौर से सुनिए और हो सके तो इस पे आप अमल करते हैं तो आपका बिजनेस भी जल्दी ग्रो हो जाएगा। और आपको इस वीडियो को जो है ना स्किप कर करके नहीं देखना है, पूरा देखना है। बहुत ही अच्छी मोटिवेशन स्टोरी आपको सुनाऊंगा और आपकी हिम्मत आपका हौसला बढ़ाने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कितने ज्यादा जो है ना छोटे भाई बड़े भाई दुबई वाले कितने ज़्यादा फेमस है, तो 5-6 साल 7 साल पहले इनको कोई पूछने वाला नहीं था और ना ही कोई देखने वाला था। तो बिचारों ने क्या करे, दुबई जाके एक छोटी सी शॉप खोले जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उन्होंने धीरे धीरे जो है ना एक काम किए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ किए और यूट्यूब पर जो है ना छोटी छोटी रील्स बना के अपलोड करने लगे और अपने दुकान की एडवर्टाइजमेंट करने लगे और अलग अलग उसमें जो है ना कॉमेडी वीडियो भी बनती रही और लोगों को जो है ना अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने मोबाइल फेंकना शुरू कर दिया कि जमजम के एप्पल मोबाइल फूटते नहीं है, आईफोन फूटते नहीं है। तो लोग जो है ना ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे और लोग उनके दुकान में आने लगे, क्योंकि कैसा है दुबई के अंदर हर दुनिया का हर शख्स आता है तो सबसे पहले मेरे हिसाब से जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़रूर जाता है। तो वहां पे उन्होंने जो है ना बहुत पब्लिसिटी करे और बहुत ज्यादा जो है ना रील्स बनाए। आज उनके कम से कम 40 से 45 मिलियन जो है ना सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर और आज वो दोनों तीनों जगह से अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। एक तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब है उससे भी पैसा अर्न कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं उसके भी पैसे जो है ना अर्न कर रहे हैं, और दूसरी बात अपना खुद का जो बिजनेस है कारोबार है उससे भी पैसा अर्न कर रहे हैं। उनके पास में स्टार्ट में 5-6 साल पहले सिर्फ एक ही दुकान हुआ करती थी जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, आज उनके जो है ना आउटलेट दुबई में 4-5 है और विदेशों में भी कुछ जो है ना अलग अलग कंट्री के अंदर आउटलेट है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से उन्होंने बिजनेस को भी ग्रो करा, पैसा भी कमाया और साथ में सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करके लाखों करोड़ों रुपए कमाया। तो आप भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, चाहे आप मुंबई में हो, चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे आप कोई भी बड़ी सिटी में हो, तो आपको क्या करना है, सोशल मीडिया का यूज़ करना है सही तरीके से। रील्स बना के आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप जो है ना अपलोड कीजिए। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन आपकी पब्लिसिटी बढ़ेगी, लोग अट्रैक्ट होंगे और दूर दूर से आपके पास में कस्टमर आएंगे। लेकिन एक बात आपको ख्याल में रखना है कि कस्टमर आने के बाद में आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है, डिस्काउंट देना है। तो इस तरीके से कैसा है कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, जैसा कि जमजम वाले छोटे भाई बड़े भाई किस तरीके से आईफोन गिफ्ट करते हैं, स्मार्ट वॉच गिफ्ट करते हैं, कितने सारे जो है ना चीज़ें लैपटॉप बहुत सारे जो है ना अलग अलग आइटम जो है ना लोगों को गिफ्ट करते हैं, तो आज वो कितने ज़्यादा फेमस है। तो हर कोई उनके दुकान पर जाता है तो उन्हें हैवी डिस्काउंट भी देते हैं कि दुबई में उन्हें कहीं पर जो है ना ऐसा आईफोन वो रेट में नहीं मिलेगा, वो रेट में वो देते हैं। तो अगर आप भी कुछ यूनिक करते हैं, हटके करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, ऑफर देते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी भी दुकान बहुत अच्छी चल सकती है और बहुत अच्छा आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है और आप भी तीन जगह से आराम से पैसा कमाएंगे। एक तो खुद का आपका बिजनेस इंशाल्लाह ग्रो होगा, उससे आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, दूसरा आप जो है ना यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके वहाँ से भी बहुत सारी अच्छी अर्निंग हो सकती है, और तीसरा आपको जो है ना जब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप जब फेमस हो जाएंगे तो आपको जो है ना स्पॉन्सरशिप मिलेंगी, आपको ऐड करने के मिलेंगे अलग पैसे। तो इस तरीके से आप तीनों जगह से अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। इतना है कि आपको मेहनत करना है, स्ट्रगल करना है, कोई भी काम छोटा होता है छोटे से ही बड़ा होता है और मेहनत करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि कैसा है कोई भी काम को वक्त लगता है। आप सोचेंगे आज शुरू करूँ कर कामयाब हो जाऊँ, ऐसा नहीं होता, आपको टाइम देना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, तभी जाके आप उस जो है ना फील्ड में कामयाब और
और कामरान होते हैं। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम इसी तरह से नए नए बिजनेस आइडिया इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते रहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।